हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी पिंकू लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम आज किस बारे में बात करें। तो आज हम बात करें हिमालय फेस वॉश के बारे में। इस प्रोडक्ट के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। इसकी एड भी टीवी में आती रहती है और एक्ने के लिए पिंपल्स जिनके चेहरे में बहुत सारे आते हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मैं ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगी गाइस, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी मम्मा तो उपटन फेस वॉश के बारे में। वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। अगर आप देखना चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हो गाइस। चलो ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हिमालय का फेस वॉश, तो मैं आपसे बात करती हूँ, कुछ ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हुआ है मुझे। मैंने नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लिया है ये, इससे भी छोटी बॉटल में आता है। ये कई तरह की मतलब बॉटल्स में आता है, आप ले सकते हो इसको किसी भी बॉटल में। मैं तो रिकमेंड करूँगी आप छोटा ही लीजिए, जब भी आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए लीजिए कम छोटा लीजिए, ताकि आप उसको यूज़ करो, आपको लगे वो अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको और लेना है तब आप उसको बड़ा लीजिए। तो ये काफ़ी पैकेजिंग में आता है, आप इसको ले सकते हो छोटी पैकेजिंग में भी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो। वरना मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बता ही दूंगी, तो आपको पता लग ही जाएगा कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, ये मुझे 155 का पड़ा था और इसकी एक्सपायरी डेट की बात कर ली जाए तो ये 2020 में बना है और 2023 तक हम इसको यूज़ करते हैं, तो 3 साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं अभी। और ये 150 ml बॉटल में मुझे मिला है। इसकी जो पैकेजिंग है वो ट्रांसपेरेंट है और ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे जेल की तरह निकलता है, देख सकते हो आप, लाइट ग्रीन कलर का जेल की तरह। तो गाइस, अगर ये ट्रैवल के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो गाइस, ये मुझे इसकी जो कैप है ना थोड़ी सी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं लगती है, क्योंकि मुझे लगता है ये ओपन ना हो जाए। अगर आप ट्रैवल के लिए इसको ले जाना चाहते हो तो आप प्लीज़ छोटी बोतल कैरी कीजिए इसकी और इसको किसी में पैक करके ले जाइए, मुझे ट्रैवल फ्रेंडली नहीं लगती इसकी कैपिंग की बात की जाए। और गाइस, ये नीम और हल्दी से बना हुआ है और ये प्रूफ करता है कि ये एक्ने को पिंपल्स को जल्दी रिमूव करता है आपके फेस से। तो पहले तो आप देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का है, ये भी कुछ इतना मेल्ट हो रहा है बिल्कुल। तो गाइस, अब बात करते हैं इसको यूज़ करने की। गाइस, मैंने इसको यूज़ करा, मुझे टू वीक्स हो गए इसको यूज़ करते, और किसी भी प्रोडक्ट को जज करने के लिए 2 वीक बहुत होते हैं। गाइस, मैंने इसको 2 वीक तक यूज़ करा तो मेरे चेहरे पे काफ़ी सारे दाने हो रहे हैं, ये देख सकती हो आप ये सारे। तो गाइस, मैं ये मेरे को कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखा इसका, दाने जैसे हैं मेरे वैसे ही हैं, ना ये सुखा रहा है ना ये कम कर रहा है। तो गाइस, जो ये प्रूफ करते हैं कि ये दानों को सुखा देता है, आपके चेहरे को साफ़ कर देता है दानों से, तो नहीं गाइस, ये मुझे नहीं मेरे दानों को सुखा रहा है ना ही साफ़ कर रहा है। अगर हल्के बहुत पिंपल्स है तो मैं आपको बोलूँगी आप ये फेस वॉश भी लीजिए, वरना अदरवाइज़ नहीं लीजिए। और इस फेस वॉश को मुँह पर लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ड्राई नहीं है हो रही है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये स्किन मेरी ऑयली कर देता है, खासकर नोज़ के पास से गाइस, मतलब 2-3 घंटे बाद ही। तो गाइस, ज़्यादा जिसकी ऑयली स्किन है वो इस फेस वॉश को यूज़ ना करे। जो ठीक है नॉर्मल स्किन है जिनकी और ड्राई स्किन है वो, उनके लिए ये बेस्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप गाइस आप इसको ये फेस वॉश देख के ले रहे हो जैसे कि ये दावा करता है कि ये पिंपल्स को हटा देता है, तो गाइस नहीं, ये पिंपल्स को नहीं हटाता है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये पर्सनली मुझे यूज़ करके मुझे कैसा फील हुआ, क्या ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस, ये प्रोडक्ट ज़्यादा मेरे दानों पर वर्क नहीं करता, जिसके हल्के एक्ने प्रॉब्लम है, हल्के हल्के दाने, वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जिनके ज़्यादा दाने हैं और वो सोच रहे हैं कि नहीं हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो हमारे दाने ठीक हो जाएंगे, जल्दी से सुखा देगा, जल्दी से फेस क्लीन हो जाएगा, नहीं गाइस, ये उतना वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि नीम और हल्दी से बना गया है तो नहीं। और ये पूरी तरह से क्या बोलते हैं प्रोडक्ट नेचुरल भी नहीं है, इसके अंदर कुछ कुछ केमिकल भी मिले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा जब लीजिएगा तो गाइस, इसके अंदर थोड़े थोड़े केमिकल भी मिले हुए हैं और ये आपके फेस को पूरा क्लीन कर देता है वॉश करने के बाद। लेकिन गाइस, इसके अंदर एक्ने की वो नहीं है। तो गाइस, मेरे हिसाब से जो एक्ने के लिए ले रहे हैं, जिनके फेस पे दाने हैं कोई, तो नहीं गाइस, आप ये वाला फेस वॉश मत लीजिए, कोई
और कोई फेस वॉश ट्राई कीजिए, या फिर गाइस अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपके लिए कोई अच्छे फेस वॉश के लिए वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप ये फेस वॉश दानों के लिए ले रहे हो तो प्लीज़ गाइस आप ये फेस वॉश मत लीजिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये ठीक है, नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन के लिए यूज़ कर लो। आप इसको फेस वॉश की तरह यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो आपका चेहरा एक्ने प्रोन हो जाए, मतलब एक्ने आपके चेहरे से हट जाए, दाने ठीक हो जाए जल्दी से आपका चेहरा, तो ये वर्क नहीं करता है उतना जल्दी से, आपके दानों को नहीं सुखाता। मैंने 2 वीक तक यूज़ करा, नहीं कुछ ऐसा हो रहा है मुझे। तो गाइस अगर आपको मेरी ये थोड़ी सी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके इसके बारे में।